मेडिटेशन करने का जो तरीका है बिगिनर्स के लिए, पहले बिगिनर्स मेडिटेशन पे ना जाएं, पहले अपने आप को स्वच्छ करें, अपने आप को एक स्थिर सुखम आसनम स्थिर पूर्वक अपने चित्त को योगस चित्तवृत्ति निरोधः अपने चित्त को शांत करके, अपने मन को शांत करके बाहरी कोई भी चीज़ को दिमाग में ना लेके आए। उसके बाद आप एक पद्मासन लगा सकते हैं, तो पद्मासन लगाएं या सुखासन पे बैठे या क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे या अर्ध पद्मासन लगा के बैठे, लेकिन उसके बाद आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। आपकी स्पाइन ऐसे झुकी भी ना होनी चाहिए, आपके कंधे एकदम सीधा होना चाहिए। और धीरे से आप आँख बंद करके अपने पहले श्वास पे ही फोकस करें, श्वास को आते जाते हुए महसूस करें। जब श्वास भरेंगे तो पेट का फूलना फुला पेट को फुला के हम श्वास भरेंगे ताकि पूरी अच्छी तरह से हम श्वास भर पाएं अपने पेट में। फिर जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर संकुचित होना चाहिए। तो भरपूर श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और प्रयास करें अपने मन की आँखों से देखने का कि श्वास हमारी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और धन्यवाद ग्रैटिट्यूड पे करें भगवान को या गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, इस श्वास के लिए। तो इस श्वास पे ही आपको ध्यान बस रखना है धीरे धीरे, है ना। और एक एक बॉडी के पार्ट्स को देखना है आँख बंद करके ही, अपने मन में ही मन की दृष्टि से देखना है कि पार्ट्स को, अपने पैर को, घुटनों को, अपने कमर को, अपने हाथों को, शोल्डर को, चेहरे को। तो ये बिगिनर्स का स्टेज है धीरे धीरे आप मेडिटेशन करने का। और बीच बीच में ध्यान भी रखें कि आपकी बॉडी सीधी हो, ना ज़्यादा पीछे झुकी हुई हो ना ज़्यादा आगे झुकी हुई हो, सामने स्ट्रेट बॉडी हो, ठीक है। थैंक यू।